मटन रेसिपी। हाय, दिस इज माइली फ्रॉम शोमी रेसिपीज और आज हम बनाने वाले हैं यह इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे गोश्त लिया है, इसे मीडियम पीसेस में काटा हुआ है। हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, हम इसका बारीक पेस्ट करेंगे। इस तरह हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन इसका पेस्ट बनाया है और अब हम इसे इस गोश्त में डालते हैं और उसके साथ हम डालते हैं हल्दी। इस तरह हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस गोश्त को 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे जाली लिया हुआ है, जाली को गैस पे हमने रखा हुआ है और इस पे हमने प्याज और सूखा खोबरा रोस्ट करने के लिए रखा है। कुछ इस तरह रोस्ट करके यह इस तरह होता है, इसके वजह से ही काला मटन को टेस्ट और रंग आता है। हमने पैन लिया है और पैन में तेल डाला हुआ है। तेल गर्म होने के बाद हम डालते हैं उसमें तेजपत्ता। तेजपत्ता डालने के बाद हम डालते हैं इसमें मैरिनेटेड मटन, 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था, और इसके साथ डालते हैं नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरह से मिलाइए। 1/2 कप पानी, इसे 20 मिनट के लिए धीमे गैस पर बीच बीच में चलाते रहिए और इसे जब तक गोश्त अच्छी तरह से पक जाए इसे पकाइए। जब तक गोश्त पक रहा है तब तक हम खोबरा और प्याज जिसे हमने अच्छी तरह से रोस्ट किया हुआ था हम उसका पेस्ट बना। आइए हम चेक करते हैं, यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। पैन लिया है, पैन में डालते हैं तेल। हमने यहाँ पे खोबरा और प्याज का जिसे हमने अच्छी तरह से रोस्ट किया था उसका पेस्ट बनाया है। अब इसे हम डालते हैं तेल में और इसे अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें हम डालते हैं कांदा लहसुन मसाला। थोड़ी सी हल्दी। और इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इस मसाले को अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भूनना। इसमें हम अब डालते हैं गोश्त जिसे हमने हरा मसाला में पकाया हुआ है। हमने इस गोश्त को इस तरह डाल के इसे भी अच्छी तरह मसाले में भूनना है। यहाँ पे हम डालते हैं 1 ग्लास पानी, मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया है। हम डालते हैं नमक, गोश्त पकाते वक्त भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया था इसलिए नमक आपके स्वाद अनुसार आप डालिए। इसे अच्छी तरह से मिला के इसे भी धीमे गैस पे 15 मिनट के लिए पकाइए। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए हम देखते हैं। वाओ, काला मटन रेसिपी इज रेडी टू सर्व। काला मटन इज रेडी टू सर्व। इसे आप चपाती या भाकरी के साथ सर्व कर सकते हो। रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली को खिलाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं और इसी तरह इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए देखते रहना शो मी रेसिपीज। बाय, टेक केयर।